हाई गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम हेयर विथ अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है वीकेंड और हमने प्लान किया था कि थोड़ा घूम कर आते हैं। सो एक्चुअली आज हम दो तीन जगह कवर करने वाले हैं जो बैंगलोर के पास में है, लाइक अराउंड 100 किलोमीटर्स है, जो आप आराम से हॉलीडे प्लान कर सकते हो, पिकनिक स्पॉट टाइप प्लान कर सकते हो। तो हम जा रहे हैं संगमा, मेकादातु एंड प्राणी द पेट सेंचुरी। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं संगमा, जो वाया कनकपुरा रोड है और ये 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो गाइज, यहाँ पे जो हम लोकल जो होते हैं रोड, ये सब वहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और ये आपको रास्ते में ऐसे गोट काओ ये सारी चीज़ें मिलते रहेगी। और अद्वित इन लोगों को देखकर काफ़ी खुश हो रहा था, लाइक बहुत वो क्लोजली देख रहा था कि गोट है और काओ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे हमारी कार थोड़ी स्लो हो गई थी, उसके बाद इनके क्रॉस करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े थे और रोड ये सब काफ़ी सही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे अद्वित देखते जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फाइनली हम पहुंच गए थे संगमा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइक पिकनिक स्पॉट की तरह था, उस दिन थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी बट हम मॉर्निंग में गए थे तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लग रहा था और क्राउड भी ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ का जो पानी था वो बहुत क्लीन था और यहाँ पे आप पानी के अंदर जाओगे तो छोटी छोटी मछलियाँ भी थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बहुत ही नेचुरल वाइब्स आ रही थी। सो ये फर्स्ट स्टॉप है और यहाँ पे पानी देखकर अद्वित इन्जॉय करना शुरू कर दिया, मुझे पता था इसलिए मैंने उसका एक एक्स्ट्रा कपड़े का सेट रख लिया था। और ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे दो रिवर मिलते हैं, जो अर्कावती और कावेरी है, दोनों यहाँ पे मिलते हैं। और ये बहुत ही मैसिव रिवर था और बहुत ही क्लीन सराउंडिंग था, ग्रीन हिल्स थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लोग भी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए, कैंपिंग के लिए भी लोग यहाँ पर आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा सीनरी यहाँ पर दिख रहा था। और इसके बाद आपको यहाँ के बाद जो आपको मेकादातु जाना है, तो ये बस से आप जा सकते हो, यहाँ पे बस खड़ी रहती है। हाँ, यहाँ पे खाने पीने की उतनी चीज़ें नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, आप रिवर भी देख सकते हो, क्लीन है, छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही थी और अद्वित स्पेशली काफ़ी इंजॉय कर रहा था, तो हम भी थोड़ा रिलैक्स थे। एंड यहाँ पे बोट भी चलती है, जो टोकरी वाले होते हैं उससे आप क्रॉस करके मेकादातु जा सकते हो, बट उस टाइम पे वो बोट नहीं चल रही थी बारिश की कारण। तो यहाँ पे बस, जो ओल्ड बस होते हैं वो था, तो वहाँ से हम गए थे, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लेता है। और फाइनली हम मेकादातु पहुँच चुके थे। मेकादातु आप देख सकते हो यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा डेंजरस था और वहाँ पे पुलिस भी थी, तो वो लोग मना कर रहे थे सिक्योरिटी गार्ड कि आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, यहाँ से थोड़ा अंदर जाने के बाद आप आराम से देख सकते हो, लेकिन वो लोग ज़्यादा अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। तो हमने यहाँ से सारी क्लिप बनाई और यहाँ पे जो रॉक थे वो भी काफ़ी शार्प थे और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, बट यहाँ पे पानी की आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी और टॉप से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पर लिए थे और काफ़ी अच्छा व्यू था, बट थोड़ा केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, रॉक बहुत शार्प थे तो आपको केयरफुल यहाँ पे रहना पड़ेगा। और यहाँ भी लोग नीचे उतरे और फिर वो पिक्चर क्लिक करवा रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे भी लग रहा था, बट आप देख सकते हो धूप थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी उस टाइम पे। गाइज, यहाँ पे हमने दो स्पॉट है वो कवर किया और वापस हमें फिर बस यहीं पे छोड़ के गया। यहाँ पे हमने थोड़ा नारियल पानी लिया और आप देख सकते हो तब तब क्राउड काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब पिकनिक मनाने के ये से आए थे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल पानी पिया, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए आपको वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे प्राणी द पेट सेंचुरी कवर करने, जो काफ़ी अच्छा है। सो गाइज, ये प्राणी द पेट सेंचुरी है, वो ऑफ कनकपुरा रोड में है और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ इन लोगों ने बनाया है।
तो आप बच्चे के साथ घूम सकते हो, वो इंजॉय करेंगे और वो लोग पेट के बारे में जानेंगे, एनिमल्स के बारे में जानेंगे और वो लोग टच भी कर सकते हैं उसे, तो काफ़ी अच्छा था। गाइड्स जो थे वो काफ़ी नॉलेजेबल थे और स्पेशली जब बच्चे टच कर रहे थे पेट का तो वो स्पेशली केयर कर रहे थे, एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे थे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और प्लेस जो था वो नाइसली मेंटेन था। हाँ, टिकट चार्जेस मुझे थोड़े से हाई लगे क्योंकि आपको एंट्री फ़ी लगेगी, वो मुझे थोड़ा सा हाई लगा, वो उतना वर्दी नहीं लगा, बट बाकी सारी चीज़ें अंदर काफ़ी मेंटेन थी और अच्छा कंसेप्ट उन लोगों ने निकाला है, तो किड्स के साथ तो आप स्पेशली इंजॉय कर सकते हो। और आप देख भी रहे हो कि अद्वित जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है, यहाँ पे डक को, टर्टल को, जो वो सारे बुक्स में देखता था वो यहाँ पे लाइव देख रहा है, तो उसे काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो गाइड थे वो काफ़ी नॉलेजेबल थे और उन लोगों ने ग्रुप्स को डिवाइड कर रखा था, लाइक 10 लोगों, 8 लोगों में, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी, वो अच्छे से बता रहे थे डिटेल और क्राउड भी अच्छे से मैनेज हो रहा था। हाँ, आप शाम होते होते तो ये थोड़ा और क्राउडी हो जाएगा, अगर आप अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो आप थोड़ा अर्ली आ जाओ। और ये सारी चीज़ें हैं, क्या है क्या है, हेलो कर दो इसको, हाय कर दो, हाय कर दो। Bambari bam bam. Bam bam. Yes. Can you tell me if this is a turtle or a tortoise? Turtle. Okay. This is a tortoise. Raise your right hand. Tortoise. Raise your left hand. Tortoise. Tortoise. I don't know the difference. Raise both your hands. So tortoise have elephant-like legs. And turtles don't really need to have a basking area, or they don't need land. These guys need land. They are not indigenous. Thank you.
इस तरीके से आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे और लास्ट में ये छोटा सा एक्वेरियम बना रखा था वहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फिश मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा है आउटिंग के लिए, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए वो छोटा सा है एंड यू कैन इन्जॉय हेयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।